नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिल्मी वाणी शो के एपिसोड नंबर 10 में, जहां पर हम बात करते हैं लेटेस्ट साउथ मूवी न्यूज़ और कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स की। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के साथ बने रहें। दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं सलार फिल्म से। एज वी नो, सलार 2023 की सबसे मच अवेटेड फिल्मों में से एक है, जो फिलहाल 23 सितंबर 2023 को रिलीज होने वाली है। लगभग 200 करोड़ के बजट में बन रही प्रशांत नील डायरेक्टेड इस फिल्म का बिगेस्ट अट्रैक्शन ये है कि इस फिल्म का कनेक्शन KGF से हो सकता है, और यदि अगर ऐसा होता है तो यहीं से KGF यूनिवर्स की ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी मानी जाएगी। दोस्तों आपको बता दूं, पिछले 1-2 सालों से लगातार ये स्पेकुलेशन लगाई जाती रही है कि सलार फिल्म में अपने यश भी नजर आएंगे, और अब अगर लेटेस्ट रिपोर्ट की माने तो ये स्पेकुलेशन और भी स्ट्रांग हो चुकी है, जिसमें बताया गया है कि जी हाँ, सलार में यश का कैमियो रखा गया है। फिल्म में 7 मिनट का एक इंटेंस ब्रीथ टेकिंग एक्शन सीक्वेंस है, जिसे यूरोप में शूट किया गया है। यहीं पर अपने रॉकी भाई यश नजर आएंगे। दोस्तों ये सलार फिल्म का सबसे क्रूशियल टाइम होगा, और यहीं पर यश और प्रभास का फेस ऑफ भी होने वाला है। डेफिनेटली प्रभास और यश को एक साथ देखना एक विजुअल डिलाइट तो होगा ही, साथ ही साथ हर इंडस्ट्री से अच्छी कमाई की इस फिल्म से उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि तमिल इंडस्ट्री और तेलुगु इंडस्ट्री में प्रभास एक बिगेस्ट अट्रैक्शन है, वहीं कनाडा इंडस्ट्री से यश और प्रशांत नील के दम पर धमाकेदार ओपनिंग पाई जा सकती है। इसके अलावा पृथ्वीराज सुकुमारन भी इस फिल्म में है, जो मलयालम इंडस्ट्री में इस फिल्म को अच्छी फेस वैल्यू देंगे। इसके अलावा नॉर्थ फिल्म में इस फिल्म का क्रेज जबरदस्त है, इसलिए डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि सलार एक नेक्स्ट बिग होने वाली है। नेक्स्ट बात करते हैं अल्लू अर्जुन और संदीप रेड्डी वांगा की अनटाइटल्ड फिल्म की। एज वी नो, हमने अपने 9th एपिसोड में बताया था कि अल्लू अर्जुन और संदीप रेड्डी वांगा की ये जो अनटाइटल्ड फिल्म है, इसका टाइटल लीक हो गया था। अब अगेन इस फिल्म से जुड़ी कुछ अपडेट निकल कर आई है। दोस्तों रिपोर्ट्स की माने तो इस फिल्म का टाइटल भद्रकाली ही हो सकता है, और ये एक मैग्नम ओपस पैन इंडिया प्रोजेक्ट होने वाला है। दोस्तों फिल्म का सब्जेक्ट ऐसा होगा जिसका अध्यात्म से टच होगा, साथ ही साथ इस फिल्म में हिंदू कल्चर और संस्कृति से भी रेफरेंस देखने को मिलेगा। इस 400 करोड़ के बजट में बन रही फिल्म के लिए अल्लू अर्जुन ने काम करने के लिए 150 करोड़ की फीस चार्ज करी है। आपको बता दूं, पुष्पा के पहले तक अल्लू अर्जुन एक फिल्म में काम करने के लिए 100 करोड़ चार्ज करते थे, लेकिन पुष्पा के बाद से अल्लू अर्जुन ने अपनी फीस में हाइक किया है, और अब ये तेलुगु इंडस्ट्री के वन ऑफ द हाईएस्ट पेड एक्टर बन चुके हैं। नेक्स्ट बात करते हैं थलापति 67 यानी कि लियो की। दोस्तों इस समय लियो फिल्म के कश्मीर शेड्यूल की शूटिंग अपने जोरों पर चल रही है, और रिसेंटली बॉलीवुड स्टार संजय दत्त ने भी इस फिल्म के कश्मीर शेड्यूल को ज्वाइन किया। इवन शूटिंग लोकेशन से बॉलीवुड के बिगी प्रोड्यूसर करण जौहर की भी तस्वीरें वायरल हुई, और तभी से ये स्पेकुलेशन लगाई जाने लगी कि हो सकता है करण जौहर लियो फिल्म के हिंदी डिस्ट्रीब्यूशन को संभालेंगे। आपको बता दूं, करण जौहर ही वो शख्स थे जिन्होंने बाहुबली के हिंदी डिस्ट्रीब्यूशन को संभाला था, और इसमें कोई दोराय नहीं है कि करण जौहर ने बाहुबली फिल्म को हिंदी में एक मैसिव रिलीज दिलाई थी। अगर धर्मा प्रोडक्शन लियो के हिंदी रिलीज को संभालेगी तो डेफिनेटली लियो एक बड़ी सक्सेस बन सकती है। दोस्तों अब तक थलापति विजय की जितनी भी फिल्में हिंदी में रिलीज हुई, उनके ना चलने की एक बड़ी वजह यही थी कि मेकर्स उन फिल्मों को सही से हिंदी में रिलीज दिला नहीं पाए। ऐसे में करण जौहर का नाम अगर इस फिल्म के डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर के तौर पर जुड़ता है तो डेफिनेटली लियो के लिए ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं कैप्टन मिलर की। दोस्तों ये तिरुचित्रा बालम के बाद धनुष की अगली रिलीज है, जिसे पैन इंडिया लेवल पर रिलीज किया जाएगा। ये एक पीरियड एक्शन फिल्म है जिसकी पृष्ठभूमि World War II पर बेस्ड है। इस फिल्म में धनुष के अलावा संदीप किशन भी हैं, साथ ही साथ कन्नड़ा सुपरस्टार शिवा राजकुमार को इस फिल्म में कास्ट किया गया है। रिपोर्ट्स के माने तो शिवा राजकुमार इस फिल्म में धनुष के बड़े भाई के रोल में नजर आएंगे। रिसेंटली शिवा राजकुमार ने कोटलम में इस फिल्म के 10 मिनट के एक्शन सीक्वेंस को कंप्लीट किया, जिससे यह साफ तौर पर अनुमान लगाया जा सकता है कि शिवा राजकुमार इस फिल्म में एक्सटेंडेड कैमियो में नजर आएंगे। ये इसी साल शिवा राजकुमार की दूसरी तमिल फिल्म है। इससे पहले शिवा राजकुमार ने रजनीकांत साहब की मूवी जेलर को भी साइन कर रखा है। अब ऐसे में जो भी फिल्म पहले रिलीज हो जाती है, वही फिल्म ऑफिशियली शिवा राजकुमार की तमिल डेब्यू मानी जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं एक रूमर के ऑफिशियल कैंसिलेशन की। दोस्तों एज वी नो, पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर एक न्यूज ट्रेंड हो रही थी कि स्टार डायरेक्टर वेट्री मारन अपने एक पैन इंडिया प्रोजेक्ट में धनुष और जूनियर टीआर को साथ में कास्ट करने वाले हैं। ये न्यूज इतनी ज्यादा स्प्रेड हो गई कि बाद में जूनियर टीआर की टीम को खुद सामने आकर ये स्टेटमेंट देनी पड़ी कि ऐसी कोई भी फिल्म उनके नॉलेज में नहीं है, और इस खबर में किसी भी तरह की सच्चाई नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं रामचरण की। दोस्तों मेगा पावर स्टार रामचरण को उनके हॉलीवुड प्रोजेक्ट के चलते पिछले हफ्ते काफी सुर्खियां मिली। इवन इसके बाद कई बड़ी एजेंसी ने ये न्यूज लगातार वायरल करी कि रामचरण एक हॉलीवुड फिल्म में काम करने वाले हैं।
इस खबर ने तुल और तब पकड़ी जब रामचरण की तस्वीर जे.जे. अब्राहम के साथ वायरल हुई। दोस्तों जे.जे. अब्राहम वही हैं जिन्होंने स्टार वॉर्स और मिशन इम्पॉसिबल जैसी फिल्मों में काम किया है। ये खबर इतनी ज़्यादा स्प्रेड हो गई कि रामचरण की टीम को मीडिया में ये स्टेटमेंट देनी पड़ी कि जे.जे. अब्राहम रामचरण के अच्छे दोस्त हैं, वे लगातार डिस्कशन में रहते हैं लेकिन किसी प्रोजेक्ट को लेकर फिलहाल उनकी कोई बात नहीं हुई। हालांकि रामचरण को कई सारे हॉलीवुड प्रोजेक्ट ऑफर जरूर हुए हैं, यानी कि भविष्य में यह जरूर हो सकता है कि रामचरण किसी हॉलीवुड फिल्म में नजर आएंगे, लेकिन फिलहाल अभी रामचरण ने किसी भी हॉलीवुड फिल्म को सेंसर नहीं किया है। फिलहाल रामचरण ने अपने अगले कई साल RC 15, 16 और 17 जैसी फिल्मों के लिए लॉक करके रखे हैं। इस बीच मुझे रामचरण का वो क्रिटिसिज्म फेस याद आया जब रामचरण को जंजीर फिल्म के चलते उनकी एक्टिंग पर काफी सवाल उठाए गए थे। अब वो दौर आ चुका है कि रामचरण को साउथ से उठकर पैन इंडिया और अब हॉलीवुड तक के ऑफर आने लगे हैं, जिसे देखकर मुझे पर्सनली रामचरण के लिए काफी खुशी महसूस होती है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रभास और डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद के अनटाइटल फिल्म की। एज वी नो पठान फेम डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद प्रभास को लेकर एक हाई ऑक्टेन एक्शन फ्लिक बना रहे हैं जिसकी शूटिंग में फिलहाल फाइटर फिल्म के रिलीज होने के बाद शुरू करेंगे। इस फिल्म का बजट 500 करोड़ बताया जा रहा है और इस फिल्म के लिए तीन बड़े प्रोडक्शन हाउसेस ने हाथ मिलाया है। इसमें यशराज फिल्म्स, यूवी क्रिएशंस और मैत्री मूवी मेकर्स का नाम शामिल है। इन तीनों बड़े प्रोडक्शन ने प्रभास पर बड़ा दांव खेला है। इस फिल्म का एक्शन हॉलीवुड के लेवल का होगा और डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद इसीलिए जाने भी जाते हैं। तो बात करते हैं नानी की फिल्म दसरा की। दोस्तों रिसेंटली नेचुरल स्टार नानी ने अपनी फिल्म दसरा का लखनऊ शहर में ट्रेलर रिलीज किया। नानी अपनी इस फिल्म की रिलीज को लेकर पूरी तरह से कमर कस चुके हैं और वे हिंदी बेल्ट में भी इस फिल्म का प्रमोशन करने वाले हैं। इस फिल्म को 30 मार्च को पैन इंडिया लेवल पर रिलीज किया जाएगा, साथ ही साथ ओवरसीज मार्केट में भी इस फिल्म को अच्छी रिलीज मिली है। आपको बता दूं यूएसए के 600 लोकेशन पर इस फिल्म को रिलीज किया गया है और ट्रेड पंडितों की माने तो यूएसए में ये फिल्म लाइगर के रिकॉर्ड को तोड़ सकती है। दोस्तों लाइगर टियर 2 एक्टर्स में सबसे ज्यादा ओवरसीज में कमाने वाली फिल्म थी और अब रिपोर्ट्स की माने तो नानी की फिल्म दसरा इस रिकॉर्ड को बड़े ही आराम से तोड़ने वाली है। अपडेट नागा चैतन्य की फिल्म कस्टडी से निकलकर आई है कि इस फिल्म के टीजर को 16 मार्च को रिलीज किया जाएगा। उससे पहले इस टीजर का भी टीजर रिलीज किया गया। वेंकट प्रभु निर्देशित ये एक डार्क एक्शन ड्रामा फिल्म होने वाली है जहां पर नागा चैतन्य अपनी पुरानी फिल्मों से टोटली डिफरेंट अवतार में नजर आएंगे। पोस्टर भर से ये फिल्म काफी प्रॉमिसिंग लग रही है और शायद मेकर्स की प्लानिंग भी इस फिल्म को पैन इंडिया लेवल पर रिलीज करने की है। नेक्स्ट बात करते हैं तमिल इंडस्ट्री के अपकमिंग क्लैश की। दोस्तों बहुत ही जल्द तमिल बॉक्स ऑफिस पर एक नया क्लैश देखने को मिलने वाला है जहां शिवा कार्तिकेयन की मूवी मावीरन और कार्तिक की मूवी जापान एक ही दिन पर रिलीज हो सकती है। दोस्तों शिवा कार्तिकेयन जो कि छोटे मेकर्स के शाहरुख खान हैं, वही कार्तिक भी धीरे धीरे तमिल इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम बन चुके हैं। अब इन दोनों का क्लैश तमिल बॉक्स ऑफिस पर देखने वाला होगा। दोस्तों इससे पहले भी इन दोनों की फिल्में एक ही दिन पर दो बार रिलीज हो चुकी हैं। इससे पहले कार्तिक की मूवी सरदार और शिवा कार्तिकेयन की मूवी प्रिंस का क्लैश हुआ था और इससे भी पहले कार्तिक की मूवी थंबी और शिवा कार्तिकेयन की मूवी हीरो का भी क्लैश हो चुका है। यहाँ गौर करने वाली बात है कि इन दोनों ही क्लैश में कार्तिक की मूवी ने बाजी मारी थी। लास्टली बात करते हैं तमिल सुपरस्टार सारावरन सर की। दोस्तों साल 2022 में सारावरन सर ने द लेजेंड फिल्म से ब्लॉकबस्टर सफलता हासिल करी थी। अब रिपोर्ट्स की माने तो इस साल वे अपनी द लेजेंड फिल्म का सीक्वल लेकर आ रहे हैं और पिछले दिनों उन्होंने अपना लुक भी साझा किया। इस बार अपने सारावरन सर की दाढ़ी बढ़ चुकी है। तो दोस्तों ये रहा आज का हमारा #FV10। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।